हेलो एवरीवन दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करूँगा कि बहुत सारे छात्र हैं जो दोस्तों सोचते हैं कि मेरा 891 में नहीं हुआ है तो अब क्या करना चाहिए, पिछली भर्ती 608 में नहीं हुआ है तो अब क्या करना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं दोस्तों, मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों यहाँ पर TG2 की लेटेस्ट अपडेट के लिए, यहाँ पर TG2 की प्रिपरेशन के लिए, दोस्तों यहाँ पर TG2 के जो है पल पल की अपडेट के लिए साथ, दोस्तों यहाँ पर ITI की ऑल ओवर इंडिया दोस्तों जितनी वैकेंसीज आती हैं उसकी अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एरोटेक। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आने वाली अपकमिंग न्यू वैकेंसीज की TG2 की, और दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर निराश हो चुके हैं, नहीं अब मेरा नहीं हुआ है अब हम क्या करें, तो दोस्तों ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना आगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि अभी अभी परीक्षा 608 की हुई दोस्तों, वो कंप्लीट हुई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 891 की वैकेंसी आई, वो दोस्तों परीक्षा इसकी हो चुकी है, आंसर की डिक्लेयर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ लगभग सभी चैनल वालों ने डिक्लेयर कर दिया है, एक अनुमानित एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों उस कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर अगर आपको लग रहा है, अगर आप इर्द गिर्द हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मेरा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कट ऑफ बता रहे हैं लोग 130-135 बता रहे हैं, तो अगर आपके 28 तक आ रहे हैं, 28-29 तक आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर यही है कि आप आगे पीछे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका यहाँ पर 105 आ रहा है, 109 आ रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड बता रहे हैं 130-132, तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कत नहीं बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर दोस्तों जो जिन लोगों ने अनुमान लगाया है उसमें 4-5 नंबर ही आगे पीछे होंगे, ठीक है, आगे पीछे होंगे और उससे अधिक नहीं होंगे, 15-20 नंबर का फासला नहीं होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपका TG2 891 में नहीं हुआ, 608 में नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नई वैकेंसी को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस फील्ड में आजमा ही लिया है करियर अपना, ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पीछे नहीं हटना है, आप लोग को तैयारी करनी है कंटिन्यूसली। आप दोस्तों अगर कहते नहीं, अगर हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में अगर कोई एक बार फेल हो जाता है तो उस पढ़े हुए सिलेबस को दोबारा फिर से पढ़ता है, और दोस्तों अगर फिर से फेल हो गया तो तीसरी बार पढ़ता है। तो दोस्तों इसका मतलब वो पता है उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में कक्षा 10वीं में वो एज ए प्रोफेसर की तरह इतना नॉलेज हो जाता है उसको, कि एक प्रोफेसर को भी उतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उसी सब्जेक्ट को उसने 3 साल पढ़ाई की। अगर आप उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को, टेक्निकल बैकग्राउंड को, अगर आप उसी कंप्यूटर को, उसी रीजनिंग मैथ्स को अगर आप पढ़ रहे हो बार बार, तो दोस्तों आपका जो बेसिक है ना बहुत मजबूत जाती है, आप काफ़ी अच्छा आपके अंदर काफ़ी एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप इसके अलावा TG2 का फॉर्म फिर से आने वाला है, आपको पता है लगभग यहाँ पर 800-800 वैकेंसीज आने वाली है, और जूनियर इंजीनियर की लगभग यहाँ पर 225 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। मैं बात करूँगा अगर दोस्तों आपका नहीं हुआ है तो आपको फिर से फॉर्म भरना है, भरना ही भरना है, इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। 800 वैकेंसीज प्लस आ रही हैं जनवरी के एंड तक, और देखने को आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको TG2 में नहीं हो पा रहा है तो आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया चेंज भी करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसीज हैं, जैसे कि सेप्टम 11 है, इसके बाद DRDO सेप्टम 11 है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेल है, सेल है, और दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा इसरो है, कई तरह की वैकेंसीज अभी दोस्तों टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों को भी मांगा गया है। इसके अलावा बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो कि अभी ITI व छात्रों के लिए आती है, परमानेंट आती है, और अच्छा खासा पावर ग्रिड की वैकेंसी आई हुई थी और आती रहती है, मेट्रो की वैकेंसी आती रहती है, तो आप लोग अदर फील्ड में भी ट्राई करते रहो, ठीक है। एक ही फील्ड में दोस्तों हो सकता है आपकी जो नॉलेज है ना, आपका जो तरीका है पढ़ने का, आपका जो स्ट्रेटजी है, प्लान है, वो काफ़ी सफल कामयाब हो जाए अदर फील्ड में, ठीक है, तो इसको कोई जानता नहीं है। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को आप लोग केयर करना जो मैं बता रहा हूँ, आपने अगर तैयारी की है, काफ़ी दिनों से स्ट्रगल किया है, इस चीज़ को अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट जरूर करना। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अदर वैकेंसीज के फॉर्म भरिए, वहाँ पर टेक्निकल सेम रहेगा, कंप्यूटर इंग्लिश सेम रहेगा, रीजनिंग मैथ सेम रहेगा, थोड़ा सा आपको सिलेबस में डिफर मिलेगा, वो चीज़ आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी और पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्म भरोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो दोस्तों हो सकता है आप उसमें आप अच्छा हो जाओ। मेरा मतलब है कि आप किसी एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट रहोगे तो वो ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप दोबारा फॉर्म मत भरो, आपको तो फॉर्म भरना ही भरना है, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है और इस चीज़ को आपको हासिल करना ही करना है, लेकिन अदर फील्ड में भी फॉर्म भरना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जाती है, हाँ,
अब उसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था 2019 में, उनका उनकी परीक्षा हुई और लोगों ने ज्वाइन भी किया, और उसके बारे में बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ निकल करके बार बार सेकेंड राउंड थर्ड राउंड कट ऑफ लेकर के दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू भी हुई। ठीक है, तो अगर मौका मिले दोस्तों, वैकेंसी आ रही है ग्रुप डी के रेलवे की जनवरी में, ठीक है, जनवरी के एंड तक, और वैकेंसी आने के बाद आप लोग तैयार रहना, आप लोग को सबको फॉर्म भर देना है, क्योंकि अब दोस्तों आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। आपको पता है कि यहाँ पर आईटीआई वालों को ही मौका दिया जा रहा है ग्रुप डी में, इसके बाद आईटीआई के अलावा किसी और को मौका नहीं दिया रहा है। अगर जो आईटीआई छात्र किए हुए हैं सिर्फ वही एलिजिबल होंगे, इसके अलावा कोई एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।